खबरों में बात करते हैं उत्तराखंड के सितारगंज की, जहां पर आज ब्लॉक प्रमुख के साथ कुछ क्षेत्र के पंचायतों ने भी शपथ ली। शपथ लेते हुए कहा कि हम शपथ देते हैं कि पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपने क्षेत्र के पंचायतों में 5 वर्षों तक कार्य करते रहेंगे। पहले सितारगंज उप जिला अधिकारी ने ब्लॉक प्रमुख पद पर शपथ दिलाई, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने अपना पद ग्रहण करके बाद में क्षेत्र की पंचायतों को शपथ ग्रहण कराई और ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि जो भी क्षेत्र में पंचायत महिलाएं चुनी गई हैं, मैं चाहूंगी कि वो अपने घर से निकलकर खुद ही अपने कार्य कराएं। जो चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था ब्लॉक का और प्रमुख पद के लिए, संपन्न होने के बाद समारोह था, शपथ दिलाया गया है प्रमुख जी को। जब कुछ के बाद भी हमारी कॉलोनी रिसीव की, कोई जानकारी नहीं है, शपथ ग्रहण का टाइम था, टाइम से हम लोग आए हैं और दिलाया गया 3 बजे। 10 बजे बुलाया, फिर 10 बजे नहीं आए, फिर 3 बजे बुलाया, किसी को जाने दिया था, जानकारी नहीं है। कार्यक्रम शासन की तरफ से सुबह 10 बजे का था, सुबह 10 बजे कल बी डी ओ साहब ने फ़ोन किया कि सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण है। हम लोग सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुँच गए तो पता लगा कि कार्यक्रम 3 बजे है। अब 3 बजे कार्यक्रम हो रहा है, एसडीएम साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सुबह से बच्चे परेशान हैं, महिलाएं भी आई हुई, उनके छोटे बच्चे हैं परेशान हैं, इसलिए हम शपथ का बहिष्कार कर रहे हैं। शपथ हम 1-2 दिन बाद ले लेंगे। धन्यवाद।